चैनल अगेन और आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज रूटीन। और वो एक्सरसाइज रूटीन है, मैंने पहले भी ये एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, इसकी एक सीरीज एक्चुअली, और वो है बेली फैट रिड्यूस करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो दिखाने वाली हूँ। पहले मैंने आप लोगों को 5 टाइप्स की बेली फैट रिडक्शन की एक्सरसाइज दिखा दिया है, मगर बहुत लोगों ने बोला है कि थोड़ा जो पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट, जो हम लोग प्रेगनेंसी की ज्यादातर जो सीजरिन होते हैं जिन लेडीज को, क्योंकि वो लोग तुरंत ही प्रेगनेंसी के तुरंत ही बाद ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये खास एक्सरसाइज रूटीन है। और ये एक्सरसाइज रूटीन आप लोग प्रेगनेंसी के 8 मंथ के बाद कर सकते हो, और ये इतना वो भी नहीं है, इतना इसका हेवी एक्सरसाइज भी नहीं है। और मैट या एक्सरसाइज रूटीन की जो मैट होते मिलते हैं हम लोगों की, वहीं पे बैठ के ही और लेट के ही आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज रूटीन में आप लोगों को 5 एक्सरसाइज रूटीन इसकी मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ, डेमो देने वाली हूँ। और ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए जो है ये लोअर बेली फैट रिडक्शन के लिए है, लोअर बेली फैट के लिए मैं एक्सरसाइज आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो और आप लोग जानते ही है, मैंने भी एक्सरसाइज करके ही, घर में एक्सरसाइज करके ही, जो नई सब्सक्राइबर है उन लोगों को बोल रही हूँ, घर में एक्सरसाइज करके ही मैंने मेरे प्रेगनेंसी वेट जो थी वो 35 kg लूज किया है। तो ये एक्सरसाइज मैंने पर्सनली किया है, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज की फर्स्ट रूटीन, और वो रूटीन होगी, उसके नाम है लेग ड्रॉप्स एक्सरसाइज रूटीन। ये है फर्स्ट नंबर वाले। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो सिखाऊंगी वो है लेग्स ड्रॉप एक्सरसाइज रूटीन। इसके लिए आप लोगों को कोई भी इतना भी तकलीफ नहीं होगा, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप लोग आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज पहले मैं 20 टाइम्स तक करूंगी, और जो एक्सरसाइज सीरीज दिखाऊंगी ये आप लोग एक बार ही खत्म कर सकते हो सभी। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तब आप लोग दोबारा 3 और उसके बाद फिर वंस ट्वाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो, मगर पहले ये 5 एक्सरसाइज आपको एक सीरीज में करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये लेग ड्रॉप एक्सरसाइज। ये फर्स्ट 20 टाइम्स तक करूंगी, उसके बाद मैं हाफ मिनट 30 सेकेंड्स के लिए रेस्ट करूंगी, और उसके बाद फिर दूसरा जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये है लेग्स ड्रॉप्स एक्सरसाइज। इसके लिए आप लोगों को अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस नॉर्मल ही रखना है, उसके बाद आप लोगों के दोनों हाथ है उसको ऐसे फैला लीजिए, और अपने लेग्स को धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे 20 टाइम्स तक कीजिए, और आपके बैक्स और हेड पूरा जमीन पर टच करना चाहिए ताकि आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़े। ये लोअर बेली फैट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज है। 20 मेरी हो गई है ये फर्स्ट राउंड एक्सरसाइज। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो इस एक्सरसाइज को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो इसकी रेप। और आप लोगों को एक बार ध्यान देना है कि आपकी लेग्स जो है वो जमीन पर टच नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे जमीन पे टच नहीं करना है, जमीन के आधे पैर पे वो ऐसे रहना चाहिए, इसको बोलते हैं लेग ड्रॉप। फिर से दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर करिए, उसके बाद मीडियम तक, पूरा जमीन के नीचे पूरा जमीन पे लगना नहीं चाहिए। ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज रूटीन। मेरी पहली एक्सरसाइज हो गई है, उसके बाद आप लोगों को 30 सेकेंड्स तक रेस्ट करना है। फर्स्ट
मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सेकेंड वाली एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को बोलते हैं फ्लटर किक्स, यानी आप लोग को किक्स करना है ऊपर और हाथ जमीन पे ही रहना है। इस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को जमीन पे टच नहीं करना है, सिर्फ किक्स मारना है अप डाउन, एक किक्स ऊपर नीचे, दोनों ही किक्स लेग से एक साथ नहीं किक्स मारना है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी। और इस एक्सरसाइज को मैं 50 टाइम्स तक करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से 30 सेकेंड्स तक, यानी हाफ ए मिनट्स तक रेस्ट करती हूँ, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो दिखाती हूँ ये फ्लटर किक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दिखाती हूँ आप लोगों को इसकी रूटीन। तो इसके लिए आप लोगों को हैंड्स ऐसे फ्लैट रखना है जमीन पर ऐसे, और अपने दोनों ही पैर को किक्स मारना है ऊपर, जितना ऊपर तक जाए उतना ही बेनिफिट होगा आप लोगों की लोअर बेली फैट रिडक्शन के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं फर्स्ट 50 टाइम्स तक करती हूँ, उसके बाद रेस्ट लेकर जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो शुरू करती हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हो गई है 50 टाइम्स तक। इसके बाद मैं हाफ सेकेंड्स तक मैंने मुझे रेस्ट करना है। ये एक्सरसाइज आप लोग सिर्फ पोस्ट प्रेगनेंसी ही नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जो आम आदमी है वो भी कर सकते हैं, उन लोगों को भी ये एक्सरसाइज से बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। और आप लोगों के कम्फर्ट के हिसाब से ही है, अगर आप लोगों को ज्यादा देर तक करना है तो आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद मैं 30 सेकेंड्स तक रेस्ट करूंगी। मेरी जो लेग स्ट्रॉक एंड फ्लटर किक्स ये एक्सरसाइज हो गई है, अब आती हूँ थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज, और इसको बोलते हैं नी तक क्रंच, यानी नी को आप लोग अपने बेली तक लाना है और बैक करना है, पुश करना है और लाना है और पुश करना है। इसको आप लोग 50 टाइम्स तक ही करिए, फर्स्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा वो होता है, थोड़ा थक जाता है इसको करने से, ये इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड ही है। तो पहले और आप लोग इन एक्सरसाइज को करने से पहले प्लीज, अगर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप लोग एक बार अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे सलाह लेके ही ये एक्सरसाइज कीजिए। तो आइए दिखाती हूँ लीज डा क्रांस की एक्सरसाइज रूटीन, ये मैं 15 टाइम्स से करूंगी, उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट करूंगी। एक्सरसाइज के लिए पहले आप लोगों को हाथ को ऐसे बेंड कर लीजिए, बेंड करके अपने जो नी है इसको आगे नीचे करना है, मगर जमीन पे टच नहीं करना है। एक बार ध्यान रखना है कि जमीन पे टच नहीं करना है, ये नी टक करना है, टक नी टक है ये एक्सरसाइज क्रंचेस, और इसको आप लोगों को बेली तक लाना है। तो ये 15 टाइम्स तक ही कीजिए पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद भी मैं 30 सेकेंड्स तक रेस्ट करूंगी। मैंने 3 एक्सरसाइज आप लोगों को सिखाया है अब तक, और अब आती हूँ जो फोर्थ नंबर वाली एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं रिवर्स क्रंचेस। आप लोगों को फ्लैट होके अपने नीज को बेली तक लाना है, फ्लैट होके। पहले था
नी टक करके आप लोगों को क्रांसिस यानी आप लोगों के हेड को ऊपर डाल के नी को नी के पास लाना था, मगर ये रिवर्स क्रांस जो है ये आप लोगों की जो कमर और गर्डन एरिया हेड एरिया सो सभी सीट आप लोगों को जमीन पे ही रखना है, सिर्फ अपने नीज को आगे पीछे लाना है, इसको नी रिवर्स क्रांसिस बोलते हैं। तो ये मैं 30 टाइम्स तक करूंगी, उसके बाद 30 सेकेंड्स रेस्ट करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये रिवर्स क्रांसिस एक्सरसाइज। के लिए आप लोग पूरा जमीन पे ले जाइए, फर्स्ट जमीन पे ले जाइए, उसके बाद अपने हैंड्स को ऐसे ही रखिए, अपने लेग्स को ऐसे रखिए फर्स्ट, और उसके बाद लेग्स को अपने नीज को अपने बेली तक लाइए, मगर आपकी सिर उठना नहीं चाहिए। इसको मैं 30 टाइम्स तक करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ब्रेकिंग नॉर्मल ही रखिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10. ये हो गई है मेरी रिवर्स कट एक्सरसाइज जिसको मैंने 30 टाइम्स तक किया है, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी 30 सेकेंड से, उसके बाद जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है वो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तक मैंने 4 एक्सरसाइज रूटीन सिखाया है, वो है फर्स्ट था लेग ड्रॉप्स, सेकेंड वाला जो था वो फ्लटर किक्स था, थर्ड वाला है नी टक क्रांसिस, फोर्थ वाला था रिवर क्रांसिस। अब आती हूँ फिफ्थ नंबर पे और वो है हील टच, आपके पैरों की जो हील है उसको टच करना है और आपके इस एरिया को हिलाना है। तो आइए दिखाती हूँ, ये मैं 20 टाइम्स तक करूंगी, उसके बाद मेरी कंप्लीट हो जाएगी ये एक्सरसाइज रूटीन। आइए दिखाती हूँ ये हील टच वाला एक्सरसाइज। इस हील टच एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के ये जो हील है पैरों की हील है दोनों ही हील को टच करना है और आपके जो सिर है यानी हेड है उसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे दोनों हील को टच करना है। ये मैं 20 टाइम्स तक करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये हो गए हैं। इन एक्सरसाइज से आप लोगों की रियली आप लोगों के जो बेली फैट इसके बाद आप लोगों को रेस्ट करना है, मैं मगर दिखा रही हूँ आप लोगों को बेली फैट है वो तुरंत ही कम हो जाएगी, 1 मंथ के बाद ही आप लोगों को इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ टाइप की एक्सरसाइज रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, और भी एक्सरसाइज रूटीन आने वाले हैं, तो कीप कनेक्टेड विथ मी। और जो भी नए सब्सक्राइबर है वो लोग प्लीज जो भी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास में ही जो बेल बटन है उसको भी दबाइए, क्योंकि ताकि मेरे जो भी नई वीडियो आए उसकी जानकारी आप लोग को तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोगों को कोई हेल्थ रिलेटेड बातें पूछना है और कुछ करना है आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, और इंस्टा में भी मेरी अकाउंट है आप लोग चेक कर सकते हो। और होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज रूटीन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये एक्सरसाइज खासकर जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो जिम नहीं जा सकते और बहुत हैवी भी नहीं है ये एक्सरसाइज, और ऐसे भी आम आदमी ही ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद है, और आप लोग बोथ मेल फीमेल सभी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्पफुल है घर में ही अगर आप लोग जिम नहीं जा सकते हो, फ्लैट टमी जो फैट नहीं होते हैं ऐसे फ्लैटर टमी आप लोग टोन टमी आप लोग पा सकते हो।
तो कैसा लगा मेरी ये एक्सरसाइज रूटीन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ भी अगर क्यूरी है और मेरे सारे जो एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में है, और उसके जो फोल्डर है वो फिटनेस है उसके नाम, तो आप लोग चेक कर सकते हो, और मेरे अदर्स एक्सरसाइज रूटीन भी अगर आप लोग नए हो तो, और मेरी वेट लॉस जर्नी भी आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने सभी मेरे प्लेलिस्ट में फिटनेस फोल्डर में रख दिया है। तो मैं ये एक्सरसाइज जरूर देख के आप लोगों को जरूर, अगर आप लोगों को कुछ लाभ होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए। और फिर इसके अलावा भी आप लोगों को अपने खाने पीने, हमेशा मैं बोलती हूँ कि डाइटिंग भी मस्त है, क्योंकि एक्सरसाइज 30% और खाना पीना 70% वेट लॉस के लिए बहुत ही जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करो और खदबा के खाओ, ऐसे कभी भी कोई फ्लैट टमी फ्लैट बॉडी नहीं पा सकते। एक्सरसाइज के साथ आप लोगों को खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को। तो कैसा लगा मेरी ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, और नई वीडियो आने वाले हैं फिटनेस रिलेटेड। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।